हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू एन एकेडमी। बस 2 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में और आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्र, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, आज़ादी के पहले से लेके जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मध्य प्रदेश में है उनके बारे में बहुत शॉर्ट डिस्कशन हम लोग करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश के पहले अखबार के बारे में, जिसका नाम है मालवा अखबार। और जो मालवा अखबार है ये प्रिंट होता है 1849 में, 1850 में इंदौर में, और प्रिंट करने वाले व्यक्ति थे पंडित धर्मनारायण, जो उस समय पे इंदौर के अंदर जो एक क्रिश्चियन स्कूल था उस क्रिश्चियन स्कूल के टीचर थे। और उन्होंने पहला अखबार जो है मालवा अखबार के नाम से मध्य प्रदेश का पहला अखबार यहां पर आपको प्रिंट किया। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट अखबार है वो है ग्वालियर अखबार। अब देखो, ग्वालियर अखबार की हम लोग अगर बात करें तो ग्वालियर अखबार प्रिंट होता है 1840 में। अब आप बोलोगे सर, 1840 में अगर प्रिंट हुआ है तो इसको मध्य प्रदेश का पहला अखबार क्यों नहीं बोला? क्योंकि देखो, इसके हमको कुछ ऐसे जानकारियां मिलती है कि 1840 में इसको प्रिंट करना शुरू किया गया था, लेकिन इसकी कोई ऐसा पुख्ता सबूत या कोई उसका उस समय का प्रिंट नहीं मिलता। जैसे मालवा अखबार है तो 1849 में जब प्रिंट हुआ था तो उसका पहला जो प्रिंटिंग हुआ था वो पहला एडिशन भी हमारे पास अभी के समय पे आपको अवेलेबल है। तो इसलिए हम लोग बोल सके नहीं वो पहला अखबार आपको है, जबकि ग्वालियर अखबार के बारे में कोई जानकारी हमको इस प्रकार से नहीं मिलती है। इसको प्रिंट करने वाले थे खैरातीलाल। खैर, इसकी शुरुआत 1840 में मानी जाती है, लेकिन 1860 के आसपास इस अखबार के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, बाद में इसी अखबार को, ग्वालियर अखबार को बना दिया ग्वालियर गजट, फिर उसको जयाजी प्रताप करके जयाजी न्यूज़पेपर उसको बोला गया। उसके बाद जो जयाजी प्रताप था वो आगे जाके मध्य भारत का समाचार पत्र बना, और वही सॉरी सॉरी वही आगे जाके मध्य प्रदेश संदेश, जो आज के टाइम पर मैगजीन आती है, वो उसी के ट्रेसेस उसके अंदर यहाँ पर आपको आते हैं। तो एक तरीके से ग्वालियर अखबार से शुरू होके उसकी पूरी जर्नी मध्य भारत अखबार और उसके बाद में मध्य प्रदेश संदेश के रूप में, मध्य प्रदेश मध्य भारत संदेश सॉरी मध्य भारत संदेश, और फिर बाद में जाके मध्य प्रदेश संदेश के रूप में आपको स्थापित हुई। तो ये बोलना कि ये पहला अखबार था थोड़ा सा टेक्निकली आपको गलत होगा। तीसरा जो अखबार था जिसको ग्वालियर गजट के बारे में आपको मैंने बात की, तो ये अखबार जो है ये भी ग्वालियर से निकलता, जो उसी न्यूज़पेपर का एक अपडेटेड वर्जन था ग्वालियर अखबार का, और इसको लिखने वाले थे आपके मुंशीलाल। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट अखबार था उसका नाम था भारत भ्राता। अब ये पेपर कहां से पब्लिश होता है? ये पेपर पब्लिश होता है रीवा से। 1887 में ये पेपर पब्लिश हुआ। लाल बलदेव सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने इसको पब्लिश किया, और इसके अंदर भी जो क्रांतिकारी गतिविधियां या अंग्रेजों का जो भरपूर विरोध है, भरपूर विरोध भारत भ्राता में आपको किया। अगला जो इंपॉर्टेंट अखबार था उसका नाम था उमदा उल अखबार, और ये अखबार आता था उर्दू भाषा के अंदर। और कैसे, मैंने भाषाएं इसके अंदर कवर नहीं की क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो 1871 में अखबार प्रिंट होता है भोपाल से, और प्रिंट करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है हकीम असगर हुसैन, है ना। ये भोपाल से माना जाता है कि प्रिंट होने वाला पहला अखबार या फर्स्ट पेपर आपको उसको बोल सकते हैं, उमदा उल अखबार। फिर एक और पेपर आता है उसका नाम है मौज नर्मदा करके पेपर, तो ये 1884 में आपको पब्लिश होता है भोपाल से, और इसको प्रिंट करने वाले व्यक्ति थे मौलवी अब्दुल करीम। वो पूरा आसपास नर्मदा के आसपास का भोपाल, होशंगाबाद और विदिशा, इटारसी, इस पूरे रीजन में इस पेपर को काफी ज्यादा सक्सेस आपको यहाँ पर आपको मिली थी। क्या देखो, उस समय ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो पेपर्स का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा नहीं था। कुछ 100, 500 पेपर, 1000 पेपर, अगर किसी का 1000 का सर्कुलेशन हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो उस समय लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, और उसके बाद इनका मेन पर्पज था यहाँ पे कि राष्ट्रीय चेतना जो है वो चेतना को पहुंचाना, लोगों तक जानकारी पहुंचाना, वो मेन उद्देश्य हुआ करता था। अगला अखबार था छत्तीसगढ़ मित्र करके अखबार, जो अभी के समय पे छत्तीसगढ़ में एक जगह है पेंड्रा, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां से ये पेपर पब्लिश होता था। और माधवराव सप्रे, बड़े कई बार इनका जिक्र आगे आएगा, तो माधवराव सप्रे जो है इन्होंने प्रिंट किया था, अभी छत्तीसगढ़ में एरिया है। फिर एक न्यूज़पेपर था जबलपुर समाचार, जिसको जबलपुर का पहला अखबार माना जाता है। 1873 में जबलपुर में पेपर प्रिंट हुआ, और इसको प्रिंट करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था पंडित कृष्ण राव। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जबलपुर से जबलपुर समाचार निकाला। उसके बाद एक न्यूज़पेपर आपको आता था उसका नाम था साप्ताहिक शुभचिंतक। 1879 में पेपर आपको प्रिंट हुआ, जबलपुर से प्रिंट होता था साप्ताहिक शुभचिंतक। फिर बाद में ये पेपर जो है ये मंथली पेपर भी आपको हो गया। उसके बाद एक और न्यूज़पेपर था उसका नाम था सुबोध सिंधु, और ये मराठी के अंदर न्यूज़पेपर आपको आता था, मतलब मराठी न्यूज़पेपर था सुबोध सिंधु। 1879 में इसकी स्टार्टिंग हुई होशंगाबाद से, और लक्ष्मण अनंत प्रयागी नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने इस पेपर को सबसे पहले आपको प्रिंट किया। तो 1879 में होशंगाबाद से सुबोध सिंधु करके न्यूज़पेपर आपको आता था। अगला न्यूज़पेपर था सुबोध सिंधु का हिंदी वर्जन, तो इसको हिंदी में भी प्रिंट किया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस रीजन में हिंदी बोलने वाली जनता ज्यादा थी। खैर, होशंगाबाद के नीचे आप जब जाओगे तो मराठी स्पीकिंग एरिया काफी ज्यादा है। 1885 में हिंदी वाला पेपर आया, खंडवा से उसको प्रिंट किया गया, और इसको भी लक्ष्मण अनंत प्रयागी हैं,
उन्होंने इस पेपर को शुरू किया। अगला जो न्यूज़पेपर आया उसका नाम था जबलपुर पोस्ट, ये भी जबलपुर से प्रिंट होने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर था जबलपुर के अंदर, और इस पेपर को लिखा एच ग्लेकन नाम के व्यक्ति ने। साल हमको नहीं मिलता है किस साल में आपको पब्लिश हुआ, तो एच ग्लेकन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी हैं, उन्होंने प्रिंट करवाया था। फिर एक पेपर आता है उसका नाम है आर्य सेवक। अब देखो इस पेपर की स्टार्टिंग हुई नरसिंहपुर से, और उसके बाद इसको लिखने वाले व्यक्ति थे जगन्नाथ प्रसाद, साल हमको नहीं मिलता है। उसके बाद एक न्यूज़पेपर आया हिंदी मास्टर, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था, इस न्यूज़पेपर को भी नरसिंहपुर से प्रिंट किया नन्हे लाल मुरलीधर नाम के एक बहुत जाने माने जर्नलिस्ट थे, तो उन्होंने हिंदी मास्टर आपको प्रिंट किया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद एक न्यूज़पेपर आया उसका नाम था ज्योति प्रभा, तो ज्योति प्रभा करके एक न्यूज़पेपर आपको आया, और ये न्यूज़पेपर आपको लिखा गया होशंगाबाद से, और भगवान दास नाम के एक व्यक्ति हैं उन्होंने इस न्यूज़पेपर को आपको प्रिंट किया। उसके बाद एक पेपर आता प्रभा, जो मासिक पेपर था, मंथली पेपर यहाँ पर आपको था, और ये जो मंथली पेपर यहाँ पर आपको आया है प्रभा के नाम से, तो इस पेपर को 1913 में लिखा गया। 1913 में भी खंडवा के अंदर इस न्यूज़पेपर को पहली बार, प्रभा को पहली बार पब्लिश किया गया, और इसको लिखने वाले जो व्यक्ति थे, इसके जो संपादक जो थे, लिखने वाले मतलब संपादक आपको हो गए है ना, तो दो इंपॉर्टेंट संपादक इसके यहां पर आपको हुए, उनका नाम था कालूलाम गंगरांडे और माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो दो व्यक्ति माखनलाल चतुर्वेदी और माखनलाल गंगरांडे जो है, माखनलाल चतुर्वेदी और कालूराम गंगरांडे, इन्होंने इस न्यूज़पेपर की आपको शुरुआत की, प्रभा करके मासिक पेपर था। फिर आर्य सेवक हुआ, आर्य सेवक जो है ये 1906 में आपको प्रिंट हुआ नरसिंहपुर से, जो भी मैंने बताया था वो थोड़ा सा डेटा आगे पीछे हो गया, तो चरणलाल जो खत्री हैं उन्होंने इस न्यूज़पेपर को प्रिंट किया था। अगला न्यूज़पेपर था शिक्षा प्रकाश। अब देखो शिक्षा प्रकाश जो न्यूज़पेपर है वो न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन 1909, 1909 में इसकी शुरुआत हुई, और रघुवीर प्रसाद द्विवेदी इन्होंने इस न्यूज़पेपर की आपको शुरुआत की, शिक्षा प्रकाश करके एक पेपर था। फिर एक पेपर आया उसका नाम था मासिक हितकारिणी। अब देखो ये जो शिक्षा प्रकाश था उसको जब सरकार ने बंद कर दिया, किसी कारण से बंद हो गया, उसके बाद ये न्यूज़पेपर फिर से स्टार्ट होता है आपके जबलपुर के अंदर, और यहाँ पर जो जबलपुर में एक हितकारिणी सभा थी, और हितकारिणी सभा की एक राष्ट्रीय प्रेस हुआ करती थी, उस राष्ट्रीय प्रेस से जबलपुर में इस पेपर को पब्लिश किया। रघुवीर प्रसाद द्विवेदी वॉज ऑल्सो द राइटर, इसको भी उन्होंने लिखा, तो शिक्षा प्रकाश उसका अपडेटेड वर्जन आया आपका मासिक हितकारिणी। ठीक है, उसके बाद बालाघाट समाचार आया जो बालाघाट से पब्लिश आपको होता था है ना, और इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं हमके हमारे पास। फिर एक न्यूज़पेपर आया चंद्रप्रभा, तो चंद्रप्रभा जो न्यूज़पेपर है ये स्टार्ट हुआ 1911 में, सनावद नाम की जगह है वहां से इसको लिखना शुरू किया, और गणेश दत्त शर्मा जो है, गणेश दत्त शर्मा ये इस न्यूज़पेपर के इसके एडिटर, इसके संपादक हुआ करते थे। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था वो था नवजीवन। अब देखो नवजीवन जो न्यूज़पेपर है ना ये 1915 में पब्लिश होना शुरू हुआ इंदौर से, और ये मध्य भारत का पहला दैनिक अखबार था, डेली अखबार था, तो द्वारका प्रसाद सेवक नाम के राइटर थे उन्होंने, संपादक थे उन्होंने लिखा। फिर मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर था उसका नाम था कर्मवीर। कर्मवीर का पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ जबलपुर से 1920 से लेके 1925 तक, ये जबलपुर से प्रिंट हुआ, और 1925 में जब वहाँ की मतलब जो जबलपुर, क्योंकि जबलपुर खंडवा ये पूरा जो रीजन था, नीचे का पूरा बेल्ट आप देखो, जबलपुर सागर दमोह वहां से लेके बालाघाट खंडवा खरगोन बुरहानपुर, और ये वाला जो पूरा एरिया था, इस एरिया को सेंट्रल प्रोविंस का रीजन कहा, मध्य प्रांत जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था, तो जितने भी न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं वो इसी रीजन में है, अंग्रेजों ने कम से कम न्यूज़पेपर जो है इनको प्रिंट करने का वहां पर आपको परमिशन दिया, तो जबलपुर से 1920 से 25, और उसके बाद ये ट्रांसफर हो जाता खंडवा 1925 के बाद, ये पेपर खंडवा में पब्लिश होता। कौन थे इसके फाउंडर, इसके प्रधान संपादक हुआ करते थे माधवराव सप्रे, और संपादक हुआ करते थे माखनलाल चतुर्वेदी, तो इन दोनों ने मिलकर न्यूज़पेपर को चलाया। खैर आगे जाके सिर्फ ये न्यूज़पेपर माखनलाल चतुर्वेदी का बना, और माखनलाल चतुर्वेदी इज द ग्रेट लीडर, जिनको कहा जाता है कि ये भारत के भारतीय आत्मा एंड इंडियन सोल कहा जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन में माखनलाल चतुर्वेदी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, उसके बारे में एक अलग वीडियो भी बन सकता है। अगला न्यूज़पेपर था शारदा, श्री शारदा, और ये न्यूज़पेपर 1920 में स्टार्ट हुआ था जबलपुर से, और नर्मदा प्रसाद मिश्र जो है इसके राइटर, तो 1920 में नर्मदा प्रसाद मिश्र है। एक न्यूज़पेपर था देशबंधु। अब ये जो देशबंधु न्यूज़पेपर था, इस पेपर की जो स्टार्टिंग है, ये इस पेपर को शुरू किया 1926 में, और लिखने वाले खंडवा के अंदर उसको लिखा गया, एस एन अगरकर नाम के एक
क्रांतिकारी थे या बोल सकते आजादी के सिपाही थे, उन्होंने इस पेपर की शुरुआत की एस एन अगरकर ने देशबंधु नाम से। अगला न्यूज़पेपर है वीणा, जो मंथली न्यूज़पेपर हुआ करता था, मासिक न्यूज़पेपर हुआ था। 1927 में इस न्यूज़पेपर को इंदौर से पब्लिश किया, और अंबिका प्रसाद ही उज राइटर जिन्होंने इस पेपर की शुरुआत की, अंबिका प्रसाद याद रखेगा। अगला न्यूज़पेपर था लोकमत, और बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर था आजादी के समय पे, आंदोलन के समय पे काफी ज्यादा इसने सुर्खियां बटोरी 1930 में, खैर ज्यादा समय चल नहीं पाया, जबलपुर से उसको प्रिंट होता था, और सेठ गोविंद दास जो थे वो इसके राइटर थे, उसके लेखक हुआ करते थे। तो ही रोड द न्यूज़पेपर आपका लोकमत। ओके उसके बाद अगला जो न्यूज़पेपर था वो था प्रकाश करके न्यूज़पेपर, और इस न्यूज़पेपर की जो शुरुआत है ये शुरुआत होती है रीवा के अंदर, और रीवा के अंदर भी इसके संपादक है नरसिंह राय शुक्ल, जो बहुत जाने माने जर्नलिस्ट हुआ करते थे वहां के। और उसके बाद इसको पूरी तरीके से फंडिंग मिली थी राजा गुलाब सिंह के द्वारा, जो रीवा के उस समय के राजा हुआ करते थे। 1930s के आसपास की शुरुआत आपको हुई, और ये जो अंग्रेजों के खिलाफ कई सारी चीजें लिखना, तो रीवा से बहुत कम न्यूज़पेपर आए। जैसे इंदौर से मार्तंड मल्हार करके एक पेपर आता था जो पूरी तरीके से सरकार की ही खबर छापता था, लेकिन आपका जो प्रकाश न्यूज़पेपर था तो ये राजा के द्वारा सहायता प्राप्त थी। और गुलाब सिंह थोड़े से क्रांतिकारी मिजाज के व्यक्ति थे, और इन्होंने उस समय पे जो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उस कांग्रेस का बड़ा सपोर्ट किया, उसको बड़े यहाँ पर आपको हेल्प की, तो उसको हेल्प करने में भी इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आपको इन्होंने आपको प्ले किया। उसके बाद अगला न्यूज़पेपर है नवजीवन, और नवजीवन न्यूज़पेपर स्टार्टेड हुआ आपके 1939 में इंदौर से, और हर प्रसाद शर्मा नाम के व्यक्ति थे, ये मध्य भारत का पहला दैनिक अखबार थे। उसके पहले भी एक नवजीवन था, वो अलग है और ये भी अलग है, दोनों न्यूज़पेपर आपको अलग अलग है। तो ये हो सकता है कि उसी न्यूज़पेपर को फिर से नवजीवन के रूप में यहाँ पर आपको शुरू किया गया। तो ये दैनिक अखबार था मध्य भारत का, सेंट्रल इंडिया का। ओके उसके बाद अगला पेपर था प्रजामंडल पत्रिका, और प्रजामंडल पत्रिका जो है ये पेपर स्टार्ट हुआ 1940 में, 1940 में इंदौर से इसको पब्लिश किया बैजनाथ महोदय और कृष्णकांत व्यास, दो इंपॉर्टेंट राइटर्स थे। इन राइटर्स ने इस न्यूज़पेपर की शुरुआत की बैजनाथ महोदय, और बैजनाथ महोदय के बाद आपके थे कृष्णकांत व्यास, तो इन दोनों ने इस पेपर की यहां पर आपको शुरुआत यहां पर आपको की। ठीक है उसके बाद अगला न्यूज़पेपर था भोपाल टाइम्स, भोपाल टाइम्स करके न्यूज़पेपर था, और इस न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई भोपाल से, और इसको लिखने वाले व्यक्ति थे काजी महारुद्दीन और वसित भोपाली नाम के दो राइटर थे जिन्होंने भोपाल टाइम्स की शुरुआत की। फिर एक न्यूज़पेपर आया नई दुनिया, न ई की ई ई का आएगा वो पता नहीं, लिख नहीं पा रहा था मैं उसमें, थोड़ा सा गूगल में दिक्कत आ रही, तो नई ई नई दुनिया, नई दुनिया बहुत ही आधुनिक न्यूज़पेपर है, और इस पेपर की जो शुरुआत है वो होती है 1947 में आजादी के बाद, ये न्यूज़पेपर लिखा गया इंदौर से लाभचंद छजलानी, बसंती लाल सेठी और नरेंद्र तिवारी, इन तीनों लोगों ने मिलकर शुरुआत की। खैर बाद में पूरा जो स्टैक था वो लाभचंद छजलानी के पास आपको चला गया। उसके बाद एक सबसे फेमस न्यूज़पेपर है मध्य प्रदेश का, या इवन आप बोलेंगे पूरे नॉर्थ के बेल्ट का, वो है दैनिक भास्कर, और 1956 में दैनिक भास्कर की शुरुआत आपको होती है भोपाल से, और इसको 1948 में शुरू किया गया था सुबह सवेरे के नाम से, ठीक है, और उसके बाद में फिर भोपाल में इसको द गुड मॉर्निंग न्यूज़पेपर करके, गुड मॉर्निंग भोपाल ऐसा करके कोई न्यूज़ नाम था, तो उससे भोपाल में शुरुआत की गई। फिर 1956 में इसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया गया, और संस्थापक थे, इनका नाम था रमेश चंद्र अग्रवाल, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर, और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आपको था, अभी भी चल रहा है इसका दिव्य गुजराती, और कई सारे पेपर आ रहे हैं। जैसे नई दुनिया की बात की तो नई दुनिया भोपाल में प्रिंट होता है नव दुनिया के नाम से, तो वो अलग अलग नाम से आपको है। खैर दैनिक भास्कर और नई दुनिया ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पेपर है अभी के समय पे मध्य भारत मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए तो ये बात हुई मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स की, आई होप ये पूरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।